हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच अजीब बॉडी बिल्डर्स की जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की सारी सीमाएं ही तोड़ डाली। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर पांच, अर्लिंडो डिसूजा। 43 साल के ब्राजील में रहने वाले अर्लिंडो डिसूजा, जिसको उनकी 29 इंच की बाइसेप्स की वजह से द माउंटेन मैन जैसे निकनेम भी मिले हुए हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 29 इंच की ये बाइसेप्स पाने के लिए अर्लिंडो ने जो किया उससे उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि ऐसा ही करते हुए उसके एक दोस्त की पहले मौत भी हो चुकी है। अर्लिंडो इतनी बड़ी बाइसेप्स पाने के लिए लंबे समय से अपने आर्म में अल्कोहल के साथ साथ बहुत से अलग अलग तरह के ऑयल्स को भी इंजेक्ट करता रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, पर मेरे लिए मेरे आर्म्स ही सब कुछ हैं। नंबर चार, जयाक्स पेरिस की सड़कों पर रहता है। जी हाँ, सही समझे आप, ये जनाब एक भिखारी हैं, लेकिन भिखारी होने के बावजूद जयाक्स का शरीर देखने लायक है। खुद को फिट रखने के लिए जयाक्स सड़कों पर ही वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वे जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। सड़कों पर रहने वाला यह 50 वर्षीय बॉडीबिल्डर प्रोटीन युक्त डाइट फॉलो करता है। जयाक्स पूरे पेरिस में खासा मशहूर है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट जयाक्स के साथ फोटो लेना पसंद करते हैं। नंबर तीन, डैनी डेविडसन। इंग्लैंड के रहने वाले डैनी डेविडसन एक जिम ट्रेनर हैं, जो अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मानना है कि औरत का दूध मसल्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा होता है। डैनी ने यह बात पुराने बॉडी बिल्डर्स और रग्बी प्लेयर से सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। वो लगभग 100 मिलीलीटर दूध सप्ताह में कई बार पीते हैं और उसको ही अपनी मसल्स के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण भी मानते हैं। डैनी की वाइफ कहती हैं कि मैंने भी शुरू में सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, पर अपनी आंखों से उनकी मसल्स को जब बढ़ते हुए देखा तो यकीन हो गया। वो यह भी बताती हैं कि डैनी ने उनका दूध भी पिया हुआ है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर दो, रोमारियो डोस सैंटोस एल्वेज। ब्राजील के रहने वाले एक बच्चे के पिता रोमारियो पहले एक सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन मॉडल और बॉडीबिल्डर बनने की चाह में उन्होंने अपने शरीर में तेल और शराब के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, जिससे महज 3 साल के समय में ही इन्होंने 25 इंच के चौड़े बाइसेप्स बना डाले, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। रोमारियो को बॉडी बनाने का शौक 22 साल की उम्र में लगा। रोमारियो ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर के जिस हिस्से को मोटा बनाना चाहा, वहीं पर लेथल कॉकटेल और ऑयल के इंजेक्शन लगाए, जिससे उस हिस्से की मसल्स फूलकर बाहर आ गई। बॉडी बनाने के शौकीन रोमारियो के इस काम में उनकी पत्नी ने भी मदद की है। नंबर एक, मुस्तफा इस्माइल। मुस्तफा के भारी भरकम बाइसेप्स को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि मुस्तफा का बाकी पूरा शरीर किसी साधारण इंसान के जैसा ही है। इनके बाइसेप्स का साइज 31 इंच है, जो कि किसी नॉर्मल इंसान की कमर का साइज होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मुस्तफा अपने बाइसेप्स में ऑयल इंजेक्ट करता है, पर खुद मुस्तफा का कहना है कि वह जिम में सिर्फ अपने बाइसेप्स पर ही वर्कआउट करते हैं। तो ये थे दोस्तों दुनिया के सबसे अजीबोगरीब बॉडी बिल्डर्स। आपको कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हिडन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।